अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। सिर्फ आर्थिक मोर्चों पर मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, बल्कि चीन सरकार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, चाहे बात थल सेना की हो या वायु सेना की या फिर जल सेना की। चीनी सरकार खुद को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, खासकर उन मोर्चों पर जो चीन और दूसरे देशों के बीच विवादित है। और यही वजह है कि चीन ने जो नया विमान वाहक पोत अपने देश में बनाया है, उसे दक्षिण चीन सागर पर तैनात करने का फैसला किया है। दक्षिणी चीन सागर वो जल क्षेत्र है जिस पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और बुनई में भी अपना अपना हक जताते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि चीन ने मंगलवार को जिस अपने दूसरे विमानवाहक पोत को दक्षिण चीन सागर में उतारा है, उसका इरादा क्या है। जाहिर है चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य महत्वाकांक्षा को और मजबूत करते हुए इस पोत को वहां उतारा है, जबकि दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे का अमेरिका और अन्य देश विरोध करते रहे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद वहां मौजूद रहे और उन्होंने वहां मौजूद सैन्य कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। चीन ने अपने नए विमान पोत का नाम शानडुंग प्रांत के नाम पर रखा है और ऐसा पहली बार है जब किसी विमान पोत का निर्माण पूरी तरह चीन में किया गया है। ये विमान पोत काफी बड़ा है, जिस पर 36 लड़ाकू विमान आ सकते हैं। खबर है कि आने वाले समय में चीन ऐसे 5-6 विमान पोत बनाएगा। आज तक ब्यूरो।